मैं नांगलोई के पास निठारी गांव का रहने वाला हूं। यहां पे आप आरा हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, क्यों आए हैं यहां पे, क्या और क्या आप फौज से भी ताल्लुक रखते हैं? हाँ सर, मैं CISF में हेड कांस्टेबल से रिटायर हूं। सुबह मैंने करीब 9 बजे के आसपास टीवी में देखा कि उनकी किडनी खराब हो गई है, ये हनुमंतप्पा की, तो उसी के चक्कर में मैं उसी टाइम वहाँ घर से निकल पड़ा। ठीक, तो कई उस ट्रैफिक बदल के बनने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ सर। पहले तो बेस हॉस्पिटल गया, वहाँ उन्होंने बताया वो तो RR में है, तब यहाँ आया हूँ सर मैं। क्या क्या करने के लिए आए हैं? मैं आप डॉक्टरों से मिलूंगा सर, मेरी किडनी या लीवर जो भी चाहिए उनको, या किसी भी किस शरीर का कोई भी अंग चाहिए वो उनको जो है ना फिट कर दिया जाए ताकि वो जिंदा बच जाए। क्योंकि आप फौज पहले भी CISF में रह चुके हैं, जब निकले घर से आए आप, तो क्या किसी को बता के आए हैं, किस तरीके से आपको लगा कि ये सब ये होना चाहिए, ये करना चाहिए आपको? मेरी मन की इच्छा है सर, मैं छोटी बहू को बता के आया, बीच वाली बहू को भी बता के आया, छोटा लड़का काम पे गया हुआ था, उन्होंने उनको फोन कर दिया, तो छोटे लड़के का फोन आया, बोला आपको क्या जरूरत है? मैं कहा जरूरत है, को जब तक कोई सामने नहीं आएगा, किसी न किसी को तो करना है, तो मैं ही क्यों ना कर दूं इस काम को। आपको लगता है कि आपके पहल के बाद शुरुआत होगी, लोग आएंगे? और साहब ये तो जो है ना सबकी अपनी मर्जी होती है, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं 66 साल उम्र होगी, अगर अभी भी 2 साल के लिए मेरे को रख लिया जाए ना आर्मी में बॉर्डर पे, मैं वहाँ भी जाने के लिए तैयार हूँ।